बीजापुर से बड़ी खबर आ रही है कि 1965 से चलाए जा रहे शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय बीजापुर का नाम आत्मानंद शासकीय उच्चतर माध्यमिक रखने पर जनता व्यापारी गण वर्तमान में स्टूडेंट व पूर्व स्टूडेंट, पूर्व प्रिंसिपल, वहां के पढ़ाई कर बने अधिकारी कर्मचारी सभी में भारी आक्रोश, जिसका ज्ञापन लेकर वर्तमान में पढ़ाई कर रहे छात्र छात्राओं ने एवं पार्षद गणों ने, व्यापारी बंधुओं ने रैली निकालकर कलेक्ट्रेट पहुंचकर डॉक्टर हेमंत भुआरे SDM बीजापुर को एवं शिक्षा अधिकारी के समक्ष कलेक्टर, मुख्यमंत्री, शिक्षा मंत्री के नाम एवं महामहिम राज्यपाल के नाम ज्ञापन सौंपा, जिसमें बच्चों ने बताया यदि शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय को पूर्ववत नहीं रखा जाता है एवं फैसिलिटीज व्यवस्था के साथ तो सभी बच्चे मिलकर उग्र आंदोलन करेंगे। सभी तरह न्यूज सच की आवाज बीजापुर से संवाददाता सिरोज विश्वकर्मा। मांग को जो इन्होंने अपने जायज मांग है आत्मानंद स्कूल ना करते हुए शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय पूर्व तक रखा जाए, आप लोग की मांग को क्या हुआ बताइए। सर, कलेक्टर सर बोले हैं कि शादी उसका मतलब जो भी है सूचना देंगे, आएगा तो अगर नहीं आया सर तो हम लोग अभी तो पूरे बीजापुर के बस बच्चे आए हैं, ये अगर मांग स्वीकार नहीं करेंगे तो हमारे बीजापुर जिले के जितने भी स्टूडेंट हैं सबको बुलाएंगे और सब हमारा साथ देने के लिए तैयार हैं। आपकी मांग कौन कौन सी है? तो फैसिलिटी चाहिए सर हमको, लेकिन वही स्कूल में चाहिए जहां हम पढ़ रहे थे, न कि उसको बदल कर स्वामी आत्मानंद। बिल्कुल, स्वामी आत्मानंद करने से क्या परेशानी आ रही है सर? गवर्नमेंट हाई स्कूल जो है यहाँ अंदरूनी क्षेत्र के जो बच्चे हैं वो आगे यहाँ अध्ययन कर रहे हैं, उनको ना सर जब ये आत्मानंद हो जाएगा तो सर उनको तकलीफ होगी एडमिशन या एडमिशन। अच्छा, ये एडमिशन में क्या तकलीफ होगी? सर बोल रहे हैं 40 बच्चे होंगे, अभी तो सर फिलहाल सबको ले लेंगे, अचानक कहीं नहीं भेजेंगे, लेकिन 2-3 सालों के बाद ऐसे ही छोड़ेंगे। बिल्कुल, बच्चों हम देख सकते हैं कि आत्मानंद स्कूल में एडमिशन को लेकर डर व्याप्त है और बच्चे चाह रहे हैं कि इनके जो स्कूल है उसे पूर्ववत रखा जाए। जिस प्रकार से पहले शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय चल रहा था उसी प्रकार की इनका डिमांड है, ये चाहते हैं कि इनके स्कूल को नाम को ना बदला जाए और जो 200-250 बच्चे जो वहाँ स्कूल में एडमिशन लेते थे पढ़ते थे वो उस प्रकार से इनकी व्यवस्था बनी रहे। यह है सभी तरह की न्यूज सच की आवाज, सुनोज विश्वकर्मा, जिला बीजापुर। बच्चे आएंगे और यह अपने जो आपका ज्ञापन सौंपे हैं और जिसमें उन्होंने स्कूल का नाम ना बदलते हुए इसे पूर्ववत रखा जाए और उसके बाद वहाँ पे सर जो आत्मानंद बन जाएगा उसके पश्चात तो वहाँ पे मात्र 40-50 सीट ही अवेलेबल रहता है बच्चों को लेने के लिए, इसलिए बच्चों को थोड़ा दर्द आता है, उसके लिए क्या बोलना है? ये बच्चों के मन में जो 40 सीट वाली बात है वो भ्रामक है, जितने बच्चे अभी स्कूल में पढ़ रहे हैं उन सभी बच्चों को वहाँ पढ़ने की सुविधा दी जाएगी, चाहे एक कक्षा में 40 से अधिक बच्चे भी रहें, 100 बच्चे रहें। सर ये एक चीज़ और, जो अभी आत्मानंद आप लोग करने जा रहे हैं, शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय बने रहने में क्या दिक्कत है प्रशासन? नहीं, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बच्चों ने पूर्व में भी मुझे ज्ञापन दिया था, उस ज्ञापन को मैंने उसी दिन शासन को प्रेषित कर दिया है, जैसे ही वहाँ से कोई जवाब आएगा मैं आपको। चीज़ और जानना चाहेंगे सर, अभी जो ज्ञापन आपके पास सौंपाई हो यह आगे तक जाएगा कि आपके पास रुक जाए? नहीं नहीं नहीं, जो ज्ञापन जिसके नाम से है वहाँ तक जरूर जाएगा। बिल्कुल, आप देख रहे थे सच की आवाज़ आज तक।